और दूसरी बात ये कि बींग अ फीमेल, मैं ये चाहती हूँ कि तमाम फीमेल्स और ख्वातीन जो है वो इसमें हिस्सा लें और ज़रूर लें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती होगी कि जितनी भी लेडीज होंगी वो इन गेम्स में जितना ज़्यादा आगे आएंगी, ये हमारे मुल्क में मुल्क का नाम रोशन होगा इससे। मौजूदा स्पोर्ट्स पॉलिसी से आप मुतमिन हैं कि क्या निजी स्पोर्ट्स या सेक्टरी स्पोर्ट्स सही काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को? देखिए, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इस टेनवर में जो डीजी हमारे हैं दुरा बलोच साहब और सेक्रेटरी हमारे हैं इमरान गिचकी साहब, पिछले कई सालों में हमने कभी भी स्पोर्ट्स का इतना नाम नहीं सुना था जितनी एक्टिविटीज उन्होंने करवाई हैं। तो मैं उनकी बड़ी मशकूर हूँ और मैं उनसे मजीद भी यही उम्मीद रखती हूँ कि वो मजीद भी इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारे खास तौर पे ख्वातीन के लिए वो मौके पैदा करेंगे कि हम स्पोर्ट्स में आगे जा सकें। ये गवर्नमेंट को स्पेशली एक, खवातीन। जी, मैं स्पेशली ख्वातीन के हवाले से गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी और मौके पैदा करें ताकि ये जितना भी हम सिक्योर्ड होंगे उतना ही हम बाहर आएंगे, अपना टैलेंट जो है वो दिखाएंगे। और माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में इतनी टैलेंटेड ख्वातीन हैं जो हर शोबे से वाबस्ता हैं और हर गेम्स हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, हर उसमें काम करती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम मजीद भी और उभरें, अच्छा टैलेंट लेके, लेकिन उसके लिए इनकी सपोर्ट हमें ज़रूरी कहीं है। और जो काम कर रहा है उसको मजीद उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको फंडिंग देनी चाहिए, और जो लोग सिर्फ फंडिंग में काम कर रहे हैं उनको स्टॉप करना चाहिए। क्या आपको मतलब है, और कोई क्या ऐसी राय देना चाहिए जिससे ये रुक जाए ट्यूटी? देखिए, चेक एंड बैलेंस होगा तो ये चीज रुकेगी कि गवर्नमेंट चेक करे कि आया जो वो फंड उनको दिया जा रहा है उस फंड में वो इन चीजों को ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो इस तरीके से तो ये फंड जाता रहेगा, लोग खाते रहेंगे, काम होगा नहीं। तो इसके लिए इसका चेक एंड बैलेंस जरूरी है। हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा सियासत है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। जी हाँ, जब मैं आया तो मैं खुद हैरान था कि मैं तो सियासत इन लोगों से सीख रहा हूं। जी जी आप बिल्कुल। क्या समझते हैं? ये तो देखें, सियासत तो हर डिपार्टमेंट में है चाहे वो कोई भी हो, और स्पोर्ट्स में भी मैं समझती हूँ कि बहुत सियासत है, लेकिन हम अगर कोशिश करें तो हम ये स्पोर्ट्स को सियासत से मुंसलिक ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें हमारी सबसे ज्यादा मुल्क की तरक्की इसी पे मुनहसर है। बिल्कुल होनी बार चाहिए, बार रुक रही हैं। होनी चाहिए इसमें। जितना ये गेम्स होंगी हम आगे बढ़ेंगे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा और हमारे मुल्क का एक नाम होगा। मेरी राय तो यही होगी कि कोशिश करें, मेहनत करें और जितना हो सकता है, जब हम पाकिस्तान से अपना टैलेंट निकालेंगे तो हम बाहर में जाकर अपना नाम रोशन करेंगे और बाहर हम खेलेंगे और हम बाहर से जीत के आएंगे। बिल्कुल हो सकता है कि है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। आपने मेरा ख्याल है लास्ट टाइम ये बात सुनी होगी कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल्कुल जीरो पे थी और हमारी जो वुमेन की क्रिकेट टीम थी वो जीत के आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त उनकी जो वो प्रेजिडेंट थी वो मेरे, मुझे जहां तक याद पड़ता है वो झवेरिया थी। तो उस हवाले से मैं कहूंगी कि अगर कोई ये कहता है कि खवातीन पीछे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हम वर्किंग वुमेन्स हैं और हम मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जब तक कोच अच्छा नहीं होगा तो टीम कैसे बनेगी। खवातीन स्पेशली बात कर। बस मेरी तो ये रिक्वेस्ट है अपने नए टैलेंटेड जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी ख्वातीन हैं, कि वो जरूर स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ख्वातीन हर शोबे में आगे हो।